वेलकम बैक टू लाइफ एंड स्पाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सांभर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। सांभर बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ये। सबसे पहले हमें चाहिए तूर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। हमने एक कटोरी दाल को आधा घंटा सोख करके रख लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक लौकी, हमने 4 से 5 छोटे बैंगन को इसमें कट करके यूज़ किया है। हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, सांभर मसाला जो कि मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मेथी दाना और हींग, तड़के के लिए ऑयल और वेरी इंपॉर्टेंट कड़ी पत्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सांभर। अरे अरे रुके 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 रुके, अभी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमने नहीं दिखाए हैं, जो हम आपको बनाते समय साथ साथ दिखाएंगे। उनको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारे इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। हमने दाल को आधा घंटा पहले सोख करके रख लिया था। 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। वैसे पानी की क्वांटिटी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पानी इसके अंदर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो उसके अंदर पानी और भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे दाल में। जब तक सीटियाँ लग रही हैं, इन द मेन टाइम हम अपनी वेजिटेबल्स कुक कर लेते हैं। अब तड़के के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, राई डालेंगे। इसको क्रैकल होने के बाद इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते। हींग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हींग को मिस ना कीजिएगा, हींग जरूर डालनी है इसमें। 30 सेकंड बाद इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। प्याज को रख के 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने से सांभर को बहुत अच्छा कलर मिलेगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब बारी है इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो डालने की। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर और ड्रमस्टिक्स भी डाल सकते हैं, जो आपकी मनपसंद सब्जियां वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग सब्जियों को दाल के साथ कुकर में उबाल देते हैं, जिससे सब्जियों का टेस्ट अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए हम इसे कढ़ाई में पका रहे हैं। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएं जो सांभर है बहुत ही टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा बिल्कुल। सब्जियों को रखे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। याद रखें सब्जियों को बिल्कुल सौगी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, बट ध्यान रहे नमक डालते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने दाल को भी पकाते टाइम उसमें नमक डाला था, तो उसी हिसाब से आप इसमें नमक का यूज़ करें। हमने आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला इज़ टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो ना भी डालें। अब हम इसके अंदर डालेंगे सांभर पाउडर, जो कि रेडीमेड है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा किसी भी ब्रांड का। सांभर मसाला हमने 2.5 चम्मच डाला है, क्योंकि हमारी सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप सांभर मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे हम। मसाले सब्जी पे प्रॉपर कोट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है इमली का पानी। इमली के पानी के लिए हमने क्या किया था, हमने थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में उबाल लिया था और बाद में उसके बीजों को निकाल के हमने उसका पानी इसमें यूज़ किया। इमली का पल्प डालने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं, तब तक हम चेक कर लेते हैं अपनी दाल को। दाल हमारी 3 सीटी के बाद अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसे करछी या फिर मदानी की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घोट लेना बोलते हैं जिसे, घोट लेंगे। पर ध्यान रहे ना तो इसके अंदर आप ब्लेंडर का यूज़ करें ना ही मैशर का, क्योंकि दाल का स्वाद उससे चला जाएगा। आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको
सब्जियों के साथ उबालना है। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार सब्जी चेक करते हैं। लुक एट द कलर गाइस, सब्जी अच्छे से पक गई है और इसका कच्चापन भी चला गया है। सब्जी को हमने ओवर कुक नहीं करना है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर आधा डाइस्ड किया हुआ प्याज डालेंगे। ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है और इसकी शेप मेंटेन रहेगी। अब हम इसमें डालेंगे एक टुकड़ा गुड़ का। गुड़ डालने के बाद इसको 1 मिनट पकाएंगे और गुड़ डालने से इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाएगा। अब चाहे तो इसके अंदर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। अब हम दाल डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाएंगे और इसके अंदर चाहे तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस के हिसाब से पानी और आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और सांभर हमारा बनके तैयार हो गया है। हमने इसे 6 से 7 मिनट उबाला आने तक अच्छे से पकाया और ये अब बनके तैयार हो गया है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। और एक बात और, जल्दी हम इडली की रेसिपी भी अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे, तो बने रहिए लाइफ एंड स्पाइस के साथ।